दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और ये देखिए कि संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये लोग जिला मुख्यालय पे आए हैं। क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं, इनसे ही जान लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज जिला मुख्यालय पे क्यों आए हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मैं जिला अध्यक्ष राम प्रतिबिंद निषाद पार्टी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सर, मेरी मांगे हैं प्रमुख रूप से कि हमारे समाज के लोग, जितने भी मछुआ समुदाय के लोग हैं, फार्म कर जमा करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, मुख्यमंत्री बोट सब्सिडी योजना हो, सभी योजनाओं में फार्म तो आवेदन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मत्स्य विभाग के अधिकारियों के सौतेला रवैये के कारण हमारे समाज के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चयन करना चाहिए, जिनके जो पात्र हैं, पात्र का चयन नहीं करके अपात्रों का चयन कर लेते हैं। इसके उपलक्ष्य में हमारी मांगे हैं डीएम महोदय के को, हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। डीएम महोदय इसका जांच कराएं, जो दोषी हो उसको सजा दें, ताकि हमारे मछुआ समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ये बताइए कि ये जो संजय निषाद हैं, आप लोगों के नेता हैं, सरकारी नौकरी में भागीदारी क्यों नहीं मांगते हैं? ये सिर्फ मछलियाँ मारेंगे आप लोग? नहीं सर, अभी जो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है आरक्षण की, जिसके आप नौकरी के लिए कहें, जैसे ही हमारे समाज के आरक्षण से संबंधित समस्या निदान हो जाएगा, हमारे समाज को आप आगे देखिएगा, आने वाले समय में आप हिस्सा अधिकार नौकरियों में सब जगह मिलना शुरू हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, जो योजना आई थी आप लोग तक क्यों नहीं मिल पा रही है? सर, यही तो, ये मध्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पत्ता को उन लोग को मिल जा रहा है, लेकिन जो मछुआ समुदाय का असली अधिकार उन लोग के पास नहीं पहुँच पा रहा है। यही है, हम डीएम महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है हम लोग के साथ। आप क्या कहेंगे भाई? अच्छा, आपको नहीं पता है कि जिस तरीके से लड़ाई आपके नेता लड़ रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है, कितनी गलत लड़ रहे हैं? सर, हम लोग जो भी फार्म भर रहे हैं, मछ विभाग के अधिकारी लोग हैं, वो लोग हम लोग का फार्म ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और ये लोग हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसीलिए हम लोग डीएम साहब को आए हैं विज्ञापन देने, और इसका फैसला डीएम साहब ही करेंगे। और नहीं तो हम लोग, आप क्या मामला है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी संख्या पे? जी, मैं संतोष चौरसिया, ब्लॉक उपाध्यक्ष, सोलापुर। हम लोगों का फार्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, और जो हम लोग को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग जो है डीएम के ठीक करना पसंद। तो ये देखिए, निषाद लोग हैं और सीधे तौर पे ये मछुआरे भी हैं, मछली मारने का काम भी करते हैं तमाम तरीके, लेकिन जो सरकारी योजना है जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। ये लोग सीधे तौर पे यहाँ के जो प्रशासन है उसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं हिला हवाली बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। जिसको मछली मारना चाहिए था, जिसको जो काम है वो काम कोई और कर रहा है, तमाम लोग ये आए हुए हैं। तो ये बताइए, ये बातें जो हैं संजय निषाद आपके नेता उनसे नहीं कहे हैं? नहीं, मंत्री जी से तो कहते हैं, मंत्री जी तो केंद्र सरकार से योजनाएं ला करके जिले तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब जिले के अधिकारी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो मंत्री जी कितना देख पाएंगे? इसका लाभ कौन ले रहा है सीधे? इसका लाभ जो पूंजीपति है, जिनके पास धन बल ज़्यादा है। हमारे समाज के पास जमीन नहीं है, लोग अधिकारी कहते हैं कि आपके पास जमीन नहीं है, चिन चिन के लोग योजनाएं दिया जा रहा है, जिसको विभाग के अधिकारी जिसको चाह रहे हैं उसको योजना दे रहे हैं, हमारे समाज को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग द्रवित होकर के माननीय डीएम महोदय के समक्ष हम लोग आवेदन देने के लिए आज आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जिला प्रशासन यहाँ के डीएम को ये लो पत्रक भी देने आए हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाए, और इनको जो मत्स्य विभाग जो 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 योजना है वो भी इनको सीधे लाभ पहुँचे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।